गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एचआर सिंह, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, माय फ्रेंड सोमू. सो ऑल स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. आई वॉज ए बेबी व्हेन सोमूज मम ब्रॉट मी फ्रॉम ए नर्सरी. मैं एक छोटा सा बच्चा था जब सोमू की माँ मुझे नर्सरी से लेकर के आई थी. यानी कि यहाँ पौधा कह रहा है. इट वॉज सोमूज बर्थडे, सोमू का जन्मदिन था. ही हैड टर्नड एट, वो 8 साल का हो गया था. नॉट जस्ट ए प्लांट, एक पौधे की तरह नहीं, बट क्या था, इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, बल्कि एक बहुत ही सुंदर मित्रता थी. सी हैड सैड, उसने कहा था, यानी कि सोमू की माँ ने कहा था, यू हैव टू नर्चर इट एवरी डे, कि बेटा तुम्हें इसकी रोज प्रतिदिन देखभाल करनी है. एंड देन यू विल सी, तब तुम देखोगे कि इट विल ग्रो विद यू एज यू ग्रो, कि ये तुम्हारी बराबर क्या होगा, तुम्हारी तरह बड़ा होगा जैसे कि तुम बड़े होते हो. 3 years have passed since then, 3 साल तब से गुजर गए. सोमू नेवर फॉरगेट्स टू वाटर मी, सोमू मुझे कभी पानी देना नहीं भूलता. ही टेक्स सच गुड केयर ऑफ मी, और वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है. सून आई विल ग्रो इन टू ए बिग मैंगो ट्री, और जल्दी ही मैं जो है एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो जाऊँगा. When I grow tall, जब मैं बड़ा होऊंगा तो सोमू विल ऑलवेज हैव अ शेल्टर ड्यूरिंग रेनफॉल. सोमू जो है बारिश के दौरान में, यानी कि बरसात में क्या हो जाएगा, मेरे नीचे शरण लिया करेगा. My leaves will give him shade in summer, और मेरी पत्तियां उसे गर्मियों में क्या देगी, छाया देगी. I will always give him fresh air to breathe, मैं हमेशा, है ना, मैं उसे हमेशा क्या दूंगा, ताज़ी हवा सांस लेने के लिए दूंगा. अंडर माई शेडो, मेरी छाया में. ही विल हैव ए प्लेस टू प्ले, उसके पास क्या होगा, एक स्थान होगा खेलने के लिए. इन विंटर्स, और सर्दियों में. आई विल शेड माई लीव्स टू, है ना, इन आई विल शेड माई लीव्स, मैं अपनी पत्तियों को गिरा दूंगा अगर विंटर में. एंड सो ही मे सोक द ऑब्जर्व, ताकि वो धूप को ऑब्जर्व कर सके. When the wind blows, जब हवा चलेगी तो सोमू will tie a swing my branches on my branches. सोमू जब हवा चलेगी तो सोमू मेरी शाखाओं पर एक झूला बांध लेगा. ओ वाट ए जॉय इट विल बी टू सी हिम ईट माई राइप एंड जूसी मैंगोज, और कितना अच्छा होगा कि जब सोमू मेरे आम, मैं सोमू को पके और जूसी आम खाते हुए देखूँगा. तो सोमू लव्स टू ड्रॉ, सोमू क्या करता है, पिक्चर यानी तस्वीर या पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा पसंद है उसे. ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, और उसे आर्टिस्ट बनना चाहता है वह. ही ड्रू ए पिक्चर ऑफ विद मी अदर डे, और शायद वो भविष्य में मेरे लिए क्या करता, कि शायद मेरे लिए एक किसी ने किसी दिन क्या करता, एक तस्वीर खींचता. आई वॉज प्राउड एज ए ट्री कुड बी, और मैं भी जैसे पेड़ गर्व करता उसी प्रकार से मैं भी अभिमान करता यानी गर्व करता. ही नेम्ड मी पिक्चर द पिक्चर माई मदर्स गिफ्ट, और उसने इस तस्वीर का नाम दिया मेरी माँ का उपहार. आई लव माई फ्रेंड सोमू, मैं अपने फ्रेंड सोमू से बहुत प्यार करता हूँ. वन डे, एक दिन. आई विल हैव ए ट्री हाउस ऑन माई ब्रांचेस, कि एक दिन मेरी शाखाओं पर एक पेड़ होगा जिसे पेड़ गृह कहते हैं, ठीक है. और इट विल बी सोमूज ऑन प्लेस टू पेंट, और ये सोमू का अपना खुद एक जगह होगा जिस पर वो पेंट करेगा, ड्रॉ करेगा. आई विल इन्वाइट माई बर्ड्स टू विजिट सोमू, और मैं अपने साथ के जो मेरी बर्ड्स होंगे मैं उन्हें इन्वाइट करूँगा ताकि वो सोमू के पास घूमने के लिए आएँ, ठीक है. दे विल सिंग स्वीट सॉन्ग फॉर हिम वाइल ही पेंट्स, और पेंट करते समय जो है वो क्या करेगा, वो मीठे यानी पक्षी जो होंगे मीठे गीत गाएंगे जब वो मेरे लिए यानी क्या करेगा, पेंट्स करेगा. आई विल रिक्वेस्ट ए पीकॉक टू डांस फॉर हिम वैन इट रेन्स, और जब बारिश होगी तो मैं पीकॉक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसके लिए क्या करे, डांस करके दिखाए, नाच के दिखाए. I wish every tree had a friend like Somo, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर सोमो की तरह जो है हर पेड़ का एक मित्र हो, ठीक है. When are you turning 8, जब तुम 8 साल के हो रहे हो तो would you like a plant as a birthday gift, और क्या तुम ऐसा पसंद नहीं करोगे तुम्हारे पास एक बर्थडे गिफ्ट हो पौधे के रूप में, ठीक है, पौधे की तरह. तो नॉट जस्ट ए प्लांट, बल्कि एक पेड़ नहीं, बल्कि इट विल बी ए ब्यूटीफुल फ्रेंड, से बल्कि पेड़ नहीं बल्कि एक अच्छी मित्रता या सुंदर मित्रता होगी. थैंक यू.